YouTube पर इस्लामिक बातें सुनने के लिए तालीमात इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुभानी मुझे कोसती रहती कयामत तक ये पेशानी मुझे, ए जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुभानी मुझे, ए जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुभानी मुझे। जनाब गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी सुन्नाम नबी थे, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और करना भी चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अच्छा ये बताएं ठंड तो नहीं लग रही आपको? लगनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मिनत जिन्नती वरनास नहीं हो सकता और कभी गलबाए खन्नास नहीं हो सकता। गर्मी इश्क नबी जिसके हो दिल में वारिस, उसको फिर ठंड का एहसास नहीं हो सकता। रात के इस पहर में भी रात किसी मजदूर की तरह आंखों की शाख पर बैठ जाना चाहती है, मगर अभी भी ये हुजूर के दीवाने ये हुजूर के आशिक रात के इस पहर में भी हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं और मदद रहे हैं। लगता है आज ही के लिए किसी ने ये मिसरे कहे थे, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनके दीवाने बेदार हैं, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, किसी शायर का इसमें कोई कसूर नहीं है। रात के दो बज रहे हैं और इस जैनुल आबदीन कानपुरी को आपने सुना, कसूर इसमें सिर्फ जैनुल आबदीन साहब कानपुरी का, वो इतना अच्छा पढ़ते ही क्यों है जो उनका सबसे अखीर में नंबर है कि नहीं? ये होता रहता है। अच्छा आपने सबको सुन लिया, जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब को सुनना है। ज़ियादानी साहब का बहराई शरीफ भी तशरीफ ला चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, और यकीन है इनाम भी देंगे। एक मिसरा मुझे पढ़ना था मगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूँ आज की इस महफिल के दुल्हा को आपके हवाले करूँ। क्या ख्याल है? अपना आदमी शिक्षक खड़ा हो जाए, नारा बुलंद कर दे, उन्होंने बहुत पहले कहा था, एक उनको देखने की खातिर तक में हमें औरों की सब तो मसलहतन देखना पड़ा। आ छोटा भाग गया, मैं बहुत ममनून बहुत मशहूर हूँ अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी दावत मोहब्बत पर मेरे घर तशरीफ लाए, हुजूर का जिक्र किया और माशाल्लाह मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, मेरा खलूस बहुत इसमें शामिल था। परवरदिगार कभी फरमा ले, आप हजरात का भी बहुत ममनून मशहूर हूँ कि सर शाम से लेकर के अब तक आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खसूसियत के साथ सबसे ज़्यादा अपने उस्ताद मुकर्रम, जो कुछ मैं हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अल-क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी खलीफ़ुल्लाह साहब अल्लाह खलील फैज़ी की मेहनत का नतीजा हूँ मैं, जो कुछ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ हज़रत ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत की है, मेरे बचपन से लेकर के आज तक रहनुमाई फरमाते रहते हैं। हज़रत का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और एक दूसरी अजीम शख्सियत जिनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खतीबा हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहिबुल्लाह माशाल्लाह, मेरी हरोत रहनुमाई फरमाते रहते हैं कि कब मुझे क्या पढ़ना है, किसी के क्या पढ़ना है, कौन सा कलाम पढ़ना है। मैं हजरत का भी बहुत ममनून और मशहूर हूँ हजरत तशरीफ़ लाए मेरी दावत मोहब्बत पर। रही बात मेरे पढ़ने की, तो काफ़ी दिन से मैं इस प्रोग्राम के लिए ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ,
और इस वजह से मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। मैं पढ़ने की कंडीशन में नहीं हूँ। भाई थोड़ी सी आवाज अच्छी कर दो, उसके बाद कोई बात नहीं। हेलो 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 हेलो, इसकी आवाज बढ़ाओ, साउंड की बढ़ाओ, खुशी मत करो यार। इतने ऊंचे स्केल से पढ़ने वालों से कुछ नहीं हुआ, आपके माइक का हमारा क्या होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। आज एक बार और दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना व मुहम्मद व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। एक मतलब और एक दो शेर जहाँ तक मैं पढ़ पाऊँगा कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह पढ़ने की मुरादा फरमाए। जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, जिसको जो कुछ सबका हो
مجھے بہت پسند ہے آپ تک پہنچاتا ہوں ایک بار دل کی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ سنیے روز آتی میری اس بات کی تاریخ